हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रक्त समूह या रक्त प्रकार रक्त का एक वर्गीकरण है जो रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ में वंशानुगत प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है। AB और O पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं। खून तो सबका एक समान है, फिर इसका ग्रुप अलग अलग कैसे हो सकता है? ब्लड ग्रुप तय होता है शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज़ और एंटीजन से। AB और O हमारे शरीर में दौड़ रहा खून 8 अलग अलग ब्लड ग्रुप का बना होता है। ये ब्लड ग्रुप होते हैं AB O पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके आधार पर तय होता है कि किसी बुरे वक्त में हमें जो ब्लड चढ़ेगा या हम किसी की मदद के लिए आगे आते हुए जो ब्लड डोनेट करेंगे वो किसे कर सकते हैं, या फिर इसका ब्लड हमारा शरीर एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि खून तो सबका एक समान है, फिर इसका ग्रुप अलग अलग कैसे हो सकता है? किसी भी व्यक्ति का खून रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जैसे कंपोनेंट से मिलकर बनता है, लेकिन ये सभी कंपोनेंट्स ब्लड ग्रुप तय नहीं करते। ब्लड ग्रुप तय होता है शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज़ और एंटीजन से। एंटीबॉडीज़ एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्लाज्मा में होता है। शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर इसे रोकने के लिए सबसे पहले एंटीजन ही एक्टिव होते हैं। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अमूमन सभी को खून दे सकता है, लेकिन इन्हें यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। इस ब्लड ग्रुप के लोग सभी पॉजिटिव RH वालों को अपना खून दान कर सकते हैं, लेकिन खून लेने की बात आती है तो वो सिर्फ अपने ब्लड ग्रुप से ही खून ले सकते हैं। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग अपने ब्लड ग्रुप के अलावा AB पॉजिटिव वाले को खून दे सकते हैं। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो ए नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ ही AB नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को खून दिया जा सकता है। बी पॉजिटिव वाले बी और AB पॉजिटिव दोनों को खून दे सकते हैं। बी नेगेटिव वाले बी पॉजिटिव नेगेटिव और AB पॉजिटिव नेगेटिव, इन चारों ग्रुप को खून दे सकते हैं। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सभी ब्लड ग्रुप्स को अपना खून दे सकता है। AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो तो व्यक्ति सेम ब्लड ग्रुप में ही खून दे सकता है। AB नेगेटिव वाले AB नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को खून दे सकते हैं। मैं महेंद्र सिंह आपके हेल्थ को सपोर्ट करता हूँ।